आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर। पलवल नगर पालिका हथीन द्वारा स्वच्छता अभियान को पंख लगाने की दिशा में एक नया और अहम कदम उठाया गया है। पालिका की तरफ से शहर के राजकीय कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में छात्राओं के लिए सैनिटरी पैड मशीन की व्यवस्था की गई है। हालांकि इस मशीन को प्रयोग के तौर पर स्कूल में फिलहाल लगाया गया है, लेकिन यदि यह योजना सफल रही तो नगर पालिका इसे शहर के अन्य हिस्सों में भी लागू करेगी। तकरीबन 1 लाख रुपए खर्च करके लगाई गई इस मशीन के जरिए स्कूल के दौरान कन्याओं को मासिक धर्म में होने वाली परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस मशीन में 10 रुपए का सिक्का या 1 रुपए के 10 सिक्के डालने पर 3 सैनिटरी पैड निकलेंगे। स्कूल के प्रिंसिपल यशपाल गर्ग ने बताया कि हतिम शहर के कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 6ठी से 12वीं कक्षा तक की लगभग 900 छात्राएं शिक्षा ग्रहण करती है, जिनमें 9वीं से 12वीं तक 300 छात्राएं हैं। नगर पालिका द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत स्कूल में सैनिटरी पैड मशीन लगाई गई है। सैनिटरी पैड मशीन से छात्राओं की परेशानी पर अंकुश लगेगा। उद्देश्य तो यही है कि बच्चों का जो हेल्थ है वो हो सही हो जाए और बच्चे इस बात के लिए कॉन्शियस हो जाए, इस बात के लिए उनको जानकारी उपलब्ध हो जाए कि अब वो नया जमाना है तो नए जमाने के हिसाब से हमें चलना होगा। और इसीलिए पैड्स का इस्तेमाल जो लड़कियाँ करते हैं वो आसानी से हमारे पास उपलब्ध है। नैपकिन्स जो तो मशीन से कितनी नैपकिन निकलती है? एक बार में 1 नैपकिन निकलती है और इसमें 2 डिस्पेंसर लगाए गए हैं जिनमें से 12-12 आसानी से उपलब्ध होती है। एक मतलब 2 मिनट के बाद हर बच्चा निकाल सकता है। 24 नैपकिन उपलब्ध होती हैं, जब वो ख़त्म हो जाती हैं तो हम दूसरी नैपकिन जो इंचार्ज हैं सुनीता मैडम वो उसमें डाल सकते हैं आसानी से। साथ ही सबसे अहम बात यह कि इस पैड का इस्तेमाल करने के बाद दूसरी लगी डिस्पोजल मशीन में डालकर उसे नष्ट किए जाने का भी प्रावधान है, ताकि स्वच्छता अभियान की योजना को भी बदस्तूर जारी रखा जा सके। स्कूल की हिंदी लेक्चर व सैनिटरी पैड मशीन की इंचार्ज सुनीता ने बताया कि स्कूल में पढ़ाई के दौरान कई बार लड़कियों को इस तरह की दिक्कतें आती थी और इसी के चलते कई बार छात्राओं को छुट्टी तक लेनी पड़ती थी। लिहाजा छात्राओं की इसी परेशानी से निजात दिलाने के मकसद से ये व्यवस्था की गई है। स्कूल के अंदर जो ये पैड बाइंडिंग मशीन, सैनिटरी पैड बाइंडिंग मशीन लगी है, इसका यूज जो है लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा है। बच्चों को समझा दिया अच्छी तरह से कि किसी को भी अगर सैनिटरी पैड की जरूरत होती है तो हमसे आके मिले, यहाँ आपको दिया जाएगा कम कॉस्ट पे, ताकि उनको इसका फायदा पता लग जाए यूज करने का और हर तरह की बाकी बीमारियों से बची रहे, जैसे और बाकी कपड़े वपड़े लगाते हैं उनसे अच्छा आइए। कॉस्ट भी इसकी सही है और 10 का क्वाइन इसकी फिक्स की है रेट हमने, कि 10 रुपये का एक पैकेट आता है जिसके अंदर 3 पैड होते हैं और क्वाइन तो 10 का, और उनको यहाँ से अपना मिल जाएंगे। और ये मशीन पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है। आपको बता दें कि इस दौरान अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन के प्रदर्शन के बाद से ही अब हर कोई खुलकर इस मुद्दे पर अपनी अपनी राय रख रहा है। साथ ही स्कूल की योजना वाकई प्रदेश के बाकी स्कूलों के लिए एक नई मिसाल के तौर पर है। कल तक एक तरफ जहाँ स्कूल और बाकी लोग इस पूरे मुद्दे पर अपनी चुप्पी रखते थे, वहीं अब सब खुलकर इस बारे में अपनी राय रख रहे हैं। पलवल से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।